राजस्थान के राजौर जिले में 9 वर्षीय छात्र इंद्रजीत मेघवाल की हत्या के विरोध में बौद्ध समाज के बैनर तले देश भर राज्यों में होने वाले अमानवीय अन्याय अत्याचार पर अंकुश लगाने जाने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाल दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के राजौर जिले में 9 वर्षीय छात्र इंद्रजीत मेघवाल की पानी पीने के नाम से की गई मारपीट के बाद मासूम की मौत पर आक्रोशित बौद्ध समाज के लोग देश भर राज्यों में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई वर्गों पर होने वाले अमानवीय अन्याय अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को दुर्ग व भिलाई से बड़ी संख्या में बौद्ध समाज को शाहनगर के बैनर तले सभी एकजुट होकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां वे 9 वर्षीय मासूम छात्र इंद्रजीत मेघवाल और बिल्किस बानो के केस की न्याय की गुहार लगाते नजर आए और अपनी आवाज बुलंद की और साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयकारे भी लगाए। वहीं अपनी मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जालौर राजस्थान की घटना है, जहाँ पर एक मासूम बच्चा कक्षा तीसरी में पढ़ने वाला, जिसको अपना कुछ नहीं मालूम, वो घड़े में पानी पिया, पानी पीने के कारण उसको ठीक ठीक घायल कर दिया। आज हम लोग 75 रहे हैं। आज हमें बात करनी चाहिए कि हमारे संविधान को हमने क्या क्या नहीं पाया, इसकी हमको समीक्षा करनी चाहिए। आज हमको हमारे जो नौजवान बच्चे जो हैं, जो बच्चे घूम रहे हैं सड़क में, उनको रोजगार नहीं है। और आज हमारे स्कूलों की यही स्थिति है कि जैसे संघीय स्कूल जो है, आरएसएस द्वारा जो चलाया जा रहा जो स्कूल जो है, मतलब एक ऐसे स्कूलों को जहां भेदभाव बरतने वाली संस्थाएं हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। जहां हमारे बाबा साहब ने समता का, समानता का, बंधुता का ये संदेश दिया है कि हम भारत के जो लोग हैं, हमारा जो भारत है वो धर्म निरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों को लड़ने का अधिकार है, यहाँ सभी जाति को बोलने का अधिकार है, सभी भाषा भाषी को अपना मत प्रकटने का अधिकार है। ऐसे में आज की स्थिति में 75 साल भी आज अगर ये स्थिति रहे, कड़ी से कड़ी सजा हमारी मांग है कि इसको ऐसे बच्चे, मतलब ऐसे हत्यारे शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल की जो जातिवादी मानसिकता के कारण जो हत्या हुई है, उसके विरोध में दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय जो इकट्ठा हुआ है और पूरे भारत में विचारधारा फैली कि जो जातिवादी मानसिकता की जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी और समतामूलक समाज की स्थापना की मांग भारतीय संविधान ने की है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का बराबर से पालन नहीं किया जा रहा और यही कारण है कि भारत में आज भी जातिवाद और छुआछूत की भेदभावना पनपी हुई है, जो कि भारत के लिए हानिकारक और घातक है। हम नरेंद्र मोदी सरकार से यह मांग करते हैं कि इस देश में जो मनुवाद है और जातिवादी मानसिकता जो छाई हुई है उसे दूर करें, और जिस प्रकार से गुजरात में बिल्किस बानो का जो हत्याकांड हुआ था और उसके जो आरोपियों को बरी किया गया है, उसको पूरा न्याय नहीं मिल पाया, तो उनके जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिले, भरपूर सजा मिले, ये मांग है हमारी। और कुल मिलाकर एक पूरे समाज की, बहुत समाज की और दलित समाज की मांग है, मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की मांग है कि इस देश में संविधान का पालन हो, बराबर पालन हो और जातिवादी व्यवस्था दूर हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो। बहरहाल राजस्थान के राजौर जिले में हुई घटना से आक्रोशित लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। देखना है इनके प्रदर्शन का असर आने वाले दिनों में कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।